में माफिया डॉन अतीक अहमद के हत्याकांड के बाद सियासत अब और भी तेज हो चुकी है। बीते शनिवार की रात तकरीबन 10 बजे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को जब प्रयागराज के एक हॉस्पिटल मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था, उसी वक्त अतीक अहमद और अशरफ अहमद पर 9 राउंड की फायरिंग की गई। जी हाँ, अतीक अहमद पर गोलियों की बौछार कर दी गई और साथ ही साथ उसके भाई की भी हत्या कर दी गई और उसी वक्त आरोपियों ने खुद को सरेंडर भी कर दिया और अब उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है। अतीक अहमद हत्याकांड के बाद अब देखा जाए तो यूपी की पुलिस उसकी पत्नी यानी कि शाहिस्ता परवीन की तलाश में जुटी हुई है। ऐसे में देखा जाए तो अतीक अहमद हत्याकांड के बाद अब यहां पर योगी सरकार के नेतृत्व में कड़े फैसले लिए जा रहे हैं आरोपी मुख्तार अंसारी को लेकर। लंबे वक्त से यूपी की बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद है और देखा जाए तो मुख्तार अंसारी को लेकर अब कई अहम दावे भी किए जा रहे हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए मुख्तार अंसारी के साथ उसकी पत्नी को लेकर हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल जहां एक तरफ यूपी पुलिस शाहिस्ता परवीन की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जाए तो मुख्तार अंसारी की पत्नी के साथ एक बेहद बड़ा खेला हो गया है। जी हाँ, अहम जानकारी देने जा रहे हैं आपको कि अब मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा को लेकर एक बेहद बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जहां एक तरफ मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, दूसरी ही तरफ देखा जाए तो मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा पर भी शिकंजा कस दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आईएस 191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी की पत्नी पर मऊ पुलिस अधीक्षक ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। मऊ जनपद के थाना दक्षिण टोला में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 22 धारा 3(1) में वांछित अभियुक्ता अफशा अंसारी के कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं होने के कारण मऊ के एसपी अविनाश पांडे ने ये इनाम घोषित किया है। जानकारी दे दें कि अफशा अंसारी गाजीपुर जनपद के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के दर्जी मोहल्ला की रहने वाली हैं। मऊ जनपद के थाना दक्षिण टोला क्षेत्र के रैनी गांव के पास विकास कंस्ट्रक्शन नाम की फर्म बनाकर जमीन ली गई और एक गोदाम का निर्माण भी कराया गया था। वहीं उस गोदाम को फर्म के द्वारा एफसीआई के किराए पर दिया गया था। अब देखा जाए तो यहां पर इसमें मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी और उसके दोनों साले अनवर शहजाद और आतिफ रजा के साथ रविंद्र नारायण सिंह जाकिर हुसैन उर्फ विक्की भी शामिल है। तो देखा जाए तो यहां पर विकास कंस्ट्रक्शन फर्म के द्वारा अनुसूचित जातियों को पट्टे पर दी गई जमीन को गलत तरीके से अपने नाम करा लिया गया। यहां पर देखा जाए तो एंटी भू माफिया के तहत राजस्व विभाग के द्वारा जांच में ये बात सामने आई है। तो ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर अफशा को लेकर तलाश जारी है और यहाँ पर मुकदमा संख्या भी कुछ सामने आई है और यहाँ देखा जाए तो अब मुख्तार अंसारी की पत्नी पर भी इनाम घोषित कर दिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शाहिस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। ड्रोन कैमरे तक अब यहाँ पर शाहिस्ता परवीन को ढूंढने के लिए लगा दिए गए हैं। देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर अफशा पर यूपी पुलिस किस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तलाश में जुटी हुई है शाहिस्ता के लिए, तो वहीं अफशा पर क्या कुछ अहम फैसला आता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।